पीडीएफ। जी तो शुरू करते हैं आज का न्यूज़। 25 फरवरी का है, तो देखिए क्या लिखा हुआ। सेंटर डिस्क्लोजेस की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे फाइंडिंग आफ्टर 11 ईयर गैप। तो 11 सालों के बाद क्या हुआ है, सरकार ने इस चीज का सर्वे किया है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है। मतलब कि कोई भी पर्सन है, और वो पर्सन क्या है कि मान लीजिए 100 रुपया कमाता है डेली, मतलब मंथली ले लीजिए 3,000 कमाता है, तो खर्च कितना करता है अपना, वो इसी चीज का सर्वे हुआ है। ठीक है, देखते हैं। कहता फॉर द फर्स्ट टाइम इन अबाउट 11 ईयर्स द गवर्नमेंट ऑन सैटरडे रिलीज द ब्रॉड फाइंडिंग्स ऑफ द ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। तो ऑल इंडिया, पूरे इंडिया लेवल पे किया गया है किस चीज का, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। कब किया गया, तो अगस्त 2022 से लेकर जुलाई 2023 के बीच इस सर्वे को किया गया। अगर लेटेस्ट सर्वे की रिपोर्ट को माने तो क्या करा है, एवरेज मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, इसको शॉर्ट में एमपीसीई भी बोलते हैं। क्या है, मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। तो इंडियन हाउस होल्ड, जो इंडिया के लोग हैं, तो उसमें क्या हुआ है, रोज 35% सिंस 2011 टू 2012। तो 2011-12 से अगर देखें तो कितनी की बढ़ोतरी हुई एक्सपेंडिचर, 33%। मतलब समझ रहे हैं कि जितना वो खर्च कर रहा था पहले, उसमें 33% जो है और खर्च ज्यादा होने लगी है। मतलब महंगाई हुआ तो एक्सपेंडिचर इसका बढ़ने लगा, हर किसी का भी। तो अर्बन एरिया में बात करेंगे, शहरी में तो कितना है लोगों का खर्च, 3,510, मतलब 3,510 रुपीज। और अगर रूरल की बात करें तो कितना है पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, 40%। तो ये हो जाएगा आपका 2,000। मतलब कि हर व्यक्ति का जो शहर में रह रहे हैं उसका खर्च कितना हो रहा है जी, 3,510 रुपये। समझ रहे हैं, सिर्फ कंजम्पशन जो खा पी रहे हैं, घड़ी मोबाइल ले रहे हैं, इसमें, बाकी चीज को छोड़ दीजिए, बाकी चीज अलग है। और गांव के लोग कितना खर्च कर रहे हैं, 2,000 समथिंग। अब देखिए, इम्पोर्टेंटली द नंबर शो दैट द प्रोपोर्शन ऑफ स्पेंडिंग ऑन फूड हैज ड्रॉप्ड टू 46% फॉर रूरल हाउस। तो जो ग्रामीण लोग हैं तो फूड पे जो है वो खर्च कम करने लगे, कितना परसेंट जी, तो खर्च पहले था इनका 52%, अब वो घट के आ गया 46%। मतलब कि खर्च पहले ज्यादा करते थे, अब खर्च कम करने लगे। क्यों, समझ में आया क्यों खर्च कम होने लगा, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा कोई भी कॉमोडिटीज का, तो प्राइस जब बढ़ेगा तो आपको ज्यादा वहां पे कर रहे हैं, तो दूसरी चीज को कैसे खरीदेंगे। तो इसलिए लोगों ने क्या किया, कंजम्पशन में कटौती करने लगा। जो 52% था उसमें से घट के कितना आ गया, 46%। कहता है अर्बन पियर्स स्पेंड जस्ट 39% ऑफ देयर ओवरऑल मंथली आउटगोज ऑन फूड कंपेयर्ड विथ 42% इनकर्ड 11 ईयर्स अर्लियर। तो अर्बन जो लोग थे 42% एक्सपेंस करते थे, अब कितना करने लगे, 39%, वो भी अपना खर्च घटाने लगे। चलिए अब देखते हैं कि सर, मंथ के, हाँ बोलो। और ये जो ये खर्च कर रहे हैं, तो ये लाइक बेसिक पे खर्च कर रहे हैं या फिर जो अदर नेसेसिटी है उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं? कंजम्पशन मतलब खा पी जो रहे हैं ना, ये हो गया घड़ी मोबाइल लैपटॉप, ये सब दिया गया इसकी बात। अब देखिए मंथली पर कैपिटा, ये जो है एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, इसमें क्या है, मेंबर्स डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द इंप्यूटेड वैल्यूज ऑफ द आइटम्स रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय इंडिविजुअल्स थ्रू वेरियस सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स सच एज पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और स्टेट रन स्कीम। अच्छा, इस सर्वे में ये जो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है, और बहुत सारे स्टेट के द्वारा स्कीम्स चलाए जाते हैं इस चीज को लेके, फूड जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोगों में, तो इस चीज को ऐड नहीं किया गया। लेकिन हाँ, नॉन फूड आइटम्स को इसमें जोड़ा गया, जैसे सरकार के स्कीम्स के द्वारा जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, बाइसाइकिल, क्लॉथ्स मिलते हैं, इसको भी इस डेटा में शामिल किया गया। मतलब ये सारे मिला के ये डेटा,
तो ये सारे डेटा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऑफिशियल मस्ट इंश्योर फ्री एंड फेयर लोकसभा पोल्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहला बात कि याद रखने है कौन ये, तो राजीव कुमार। क्या है ये? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इन्होंने क्या बोला है कि जो ऑफिशियल है, जो अधिकारी है, इनको इस चीज की सुनिश्चित करने पड़ेगी कि फ्री एंड फेयर लोकसभा पोल्स हो, मतलब क्लियर कट एकदम निष्पक्ष जो होता है चुनाव वो होनी चाहिए। किसके लिए कह रहा है ये? एमपी का जो चुनाव होने वाला है उसके लिए। तो क्या है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार सेट स्टेटेड दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द कलेक्टर्स एंड द इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो कलेक्टर और इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है, इनको डायरेक्शन दिया गया क्या चीज का लिए कि आगामी आने वाली जो लोकसभा चुनाव है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अब थोड़ा सा हम समझते हैं इनके बारे में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में। इनको जो अपॉइंट किया जाता है, कौन अपॉइंट करते हैं जी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पूछ सकता है प्रीलिम्स में, निश्चित। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। इसकी जो सर्विस कंडीशंस हैं, ठीक है ना, सर्विस कंडीशंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, जो भी अपॉइंटमेंट, सर्विस कंडीशंस, सारे चीजें, ये किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 324, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा देखिए, कहता दिस आर्टिकल वेस्ट्स द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस इन इलेक्शन कमीशन। अब देखिए तो इनको क्या क्या पावर है इस आर्टिकल में? सुपरिटेंडेंस, पूरा निरीक्षण, डायरेक्शन, डायरेक्शन दे सकते हैं, और पूरे इलेक्शन का कंट्रोल जो है इन्हीं के हाथ में होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ होते कौन कौन है? तो इलेक्शन कमीशन, हाँ इलेक्शन कमीशन कौन कौन होते हैं? तो कंसिस्टिंग ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो एक हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और क्या होते हैं? अदर इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन और उसके बाद जो है अदर इलेक्शन कमिश्नर, इनको अभी अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ही, टाइम टू टाइम कि कौन बनेंगे नहीं बनेंगे। चलिए तीसरा एक देखिए क्वेश्चन, असम टू रिपील मुस्लिम मैरिज एक्ट, अपोजिशन टर्म्स इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा एक चीज पहले आप लोग को बता दो, तब ये ज्यादा समझ में। जैसे मान लीजिए इधर एक है हिंदू कास्ट, सॉरी हिंदू रिलीजन है, और इधर है मुस्लिम रिलीजन। तो अगर इन दोनों की मैरिज हो तो इसको किस एक्ट के अंदर मैरिज होती है? देखिए अगर हिंदू धर्म के अनुसार शादी हुई तो हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम धर्म के अनुसार शादी हुई क्या बोलते हैं? मुस्लिम धर्म। लेकिन जब दो इंटर रिलीजन में शादी हो तो इसको क्या बोलते हैं जी? स्पेशल मैरिज एक्ट। क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 होना चाहिए आई थिंक। उसके बाद सिर्फ इंटर रिलीजन ही नहीं, इंटर कास्ट में भी जो शादी होती है एक जाति से दूसरे जाति में, तो भी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी होती है। अब देखिए क्या चीज है, तो मैंने बताया था उसी समय कि उत्तराखंड में क्या हुआ, यूसीसी आया, और बाद में कहाँ आया? असम में लाने की सोच रहा है, और ये फिर कहाँ आएगी? गुजरात में भी लाएगा निश्चित तौर पे। तो समझते हैं थोड़ा सा न्यूज। कहता अहेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए बिल ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड दैट इज एकिन टू द लेजिस्लेशन इन उत्तराखंड। कहता है कि जो असम गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या किया, एक बिल लाया यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके, जो एकिन टू द, किससे रिलेटेड है, मतलब उसी तरह का है जैसा उत्तराखंड में लाया गया। कौन लाया गया? तो असम गवर्नमेंट। तो असम गवर्नमेंट ने क्या बोला, हैज डिसाइडेड टू रिपील द असम मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्सेस रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935। तो सरकार इस बिल को लाके किस चीज को खत्म करने जा रहा है? तो जो असम में मुस्लिम मैरिजेस हैं और डाइवोर्सेस रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1935, इसको क्या कर रहा है? रिपील करने जा रहा है असम गवर्नमेंट। द स्टेट कैबिनेट विच मेट ऑन फ्राइडे नाइट अप्रूव द असम रिपीलिंग ऑर्डिनेंस 2024 फॉर रिपीलिंग द ब्रिटिश एरा मैरिजेस एंड डाइवोर्स एक्ट स्पेसिफिक टू मुस्लिम्स। तो जो ब्रिटिश समय से चले आ रही है कैसे मैरिज होगा, कैसे डाइवोर्स होगा,
मुस्लिमों के लिए इस चीज को खत्म करने के लिए ये लॉ लाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? असम गवर्नमेंट। इसमें क्या बोला है सरकार के द्वारा आर्ग्यूमेंट कि वी वांट, हम लोग चाहते हैं कि ऑल मैरिजेस टू बी रजिस्टर्ड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। क्या बोला कि हम लोग चाहते हैं कि सारे शादी विवाह किसके अंदर हो, स्पेशल मैरिज एक्ट के द्वारा हो। और क्या बोला गया कि द एक्ट वाज बीइंग मिसयूज्ड फॉर मैरिजेज ऑफ माइनर्स। करें कि ये जो लॉ था पहले मुस्लिम लॉ, मुस्लिम मैरिजेज एक्ट, इससे क्या होता था कि माइनर्स की शादी हो जाती थी, मतलब 18 साल से कम की लड़की और 21 साल से कम के लड़के की शादी हो जाती थी इस एक्ट के द्वारा। तो इसका मिसयूज किया जा रहा था, इसलिए ये चीजें लाई जा रही है, स्पेशल मैरिज एक्ट। तो इसमें क्या कर देगा कि लड़के का एज, लड़की का एज फिक्स कर दिया जाएगा। तो लड़के का एज 21 साल और लड़की का एज 18 ईयर्स, ठीक है। और जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी करेगा उसे कितना कंपनसेशन दिया जाएगा, 2 लाख का रिवार्ड भी दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो और थोड़ा सा समझते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है क्या। जो मैंने बताया वही है, एन एक्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट दैट अलाउज सिविल मैरिजेस फॉर इंडियन सिटीजंस एंड नेशनल एब्रॉड। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के द्वारा क्या है, हर किसी को सिविल मैरिज मतलब शादी करने के लिए परमिशन देता है, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या नेशनल एब्रॉड मतलब देश से बाहर का विदेशी लोग हो। जैसे इंडियंस और मान लीजिए रशियंस के बीच शादी हुई तो किस एक्ट के अंदर होगा, यही स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। और किस चीज को अलाउ करता है, तो इंटरकास्ट मतलब अलग जाति में शादी हो तो भी, और इंटर रिलीजियस मैरिज मतलब अलग अलग धर्म के बीच शादी हो तब भी जो है ये एक्ट के अंदर ही शादी होगा। ऐसा इसलिए कि कपल्स डू नॉट नीड टू गिव अप देयर फेथ टू मैरिज। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो कपल शादी करना चाह रहे हैं तो शादी करने के लिए उसे अपने फेथ, अपने बिलीफ, अपने धर्म को गिव अप करने की कोई जरूरत मतलब छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए स्पेशल मैरिज एक्ट आया है। अब ये देखिए साइंस रिलेटेड एक न्यूज है, क्या है, प्री हिस्टोरिक केस ऑफ एडवर्ड सिंड्रोम फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आप लोगों ने कुछ दिन पहले न्यूज में आया था डाउन सिंड्रोम के बारे में सुना है? हाँ, उसी से रिलेटेड है ये भी। तो डाउन सिंड्रोम था और एक था क्लाइन फिल्टर डिजीज। ये सब क्या है, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर है। एडवर्ड थोड़ा सा समझते हैं, इंडिविजुअल्स विद क्रोमोजोमल ट्राइसोमी कैरी 3 कॉपीज ऑफ ए क्रोमोजोम इन देयर सेल्स इंस्टेड ऑफ 2। तो जहां पे 2 क्रोमोजोम होना चाहिए वहां कितना क्रोमोजोम है, 3 क्रोमोजोम है। किस नंबर पे है, तो ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोजोम्स नंबर 21 और 18। तो अगर 21 नंबर क्रोमोजोम पे 3 कॉपी हो गया क्रोमोजोम का तो क्या होगा, डाउन सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में तो 18 नंबर क्रोमोजोम पे अगर 3 कॉपी हो गया तो क्या बोलेंगे, एडवर्ड सिंड्रोम। लेकिन दोनों क्या है, ट्राइसोमी है मतलब 3 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स है, मतलब 3 क्रोमोजोम्स है वहां पे, पेयर नहीं 3 क्रोमोजोम्स वहां हो गए। जहां दो था, दो रहना चाहिए था नॉर्मल के लिए, वहां क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसलिए ये बीमारी होती है, ठीक है। अब देखिए ट्राइसोमी 18 आल्सो कॉल्ड एडवर्ड सिंड्रोम। तो ट्राइसोमी 18 या इसी को क्या बोलते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम। ये क्या है, क्रोमोजोमल कंडीशन एसोसिएटेड विद एबनॉर्मेलिटीज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो बॉडी में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में क्या होती है, एबनॉर्मल ग्रो करते हैं। जैसे ये देखिए, तो लॉ सेट ईयर्स, कान छोटा हो जाएगा, मसल स्टोन जो है घट जाए मतलब मसल्स ग्रो नहीं करेगा ज्यादा, छोटा हो जाएगा, साइज बॉडी का बहुत छोटा होगा, देख रहे हैं। हार्ट लंग, ये जो है हार्ट लंग, ये सब क्या होंगे, एबनॉर्मल हो जाएंगे। उसके बाद उंगली पे उंगली चढ़ जाएगा जैसे ओवरलैपिंग, ये ठीक है। उसके बाद क्लब फिट, ये बड़ा मतलब चौड़ा हो जाएगा ज्यादा, ये सब चीजें हैं किसमें जी, एडवर्ड सिंड्रोम में पहली बार मिला है, पहले नहीं कभी देखा गया था। कहता है इंडिविजुअल्स विद ट्राइसोमी 18 ऑफन हैव स्लो ग्रोथ बिफोर बर्थ। तो जन्म से पहले मतलब पेट में ही बच्चा क्या हो रहा है, बहुत कम ग्रो कर रहा है, और लो बर्थ वेट, और जन्म होगा तो क्या होगा, कम वेट के साथ होगा। कॉमन फिजिकल फीचर डाउन सिंड्रोम का क्या है, प्रोट्रूडिंग टंग। ये डाउन सिंड्रोम की बात कर रहे, ये यहां नहीं लिखना चाहिए था। चलिए आगे देखिए,
ये भी है साइंस, थोड़ा जेनेटिक्स रिलेटेड है। हेमोफिलिया के बारे में बात कर रहा है। हेमोफिलिया डिजीज होता क्या है, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या कहता है, हेमोफिलिया में क्या है कि जैसे ये आपका बॉडी है, अब यहाँ बॉडी अगर कट होगा ना, तो बॉडी से क्या होगा, ब्लड निकलेगा, और ब्लड जब निकलता है तो कितने देर में क्लॉट कर देता है जी, 2 मिनट। कितना देर में, 2 मिनट में, ठीक है। एक सेकेंड, तो ब्लड कितना, 2 मिनट में आपका क्लॉट हो जाएगा, मतलब जम जाएगा। लेकिन हेमोफिलिया में क्या होता है, वो जमेगा नहीं, ब्लड कंटिन्यूस पास करते रहेगा। अच्छा पहले हम आप लोग को ये समझाते हैं, जरा फिगर को देखिए ध्यान से। पहले देख लिए, अब देखिए, अगर पूछेगा कि हेमोफिलिया जो डिजीज है कौन सा क्रोमोजोम जो है इसको कैरी करता है, एक्स क्रोमोजोम या वाई क्रोमोजोम, तो क्या बोलिएगा आप लोग, एक्स क्रोमोजोम कैरी करता है, किसको जी, हेमोफिलिया डिजीज को। तो अब यहां देखिए, बेटा हुआ बेटी हुई, ठीक ना, सॉरी दोनों बेटा है, तो कितना चांस है हेमोफिलिया होने का, अगर माँ बाप में है हेमोफिलिया डिजीज तो बेटा बेटी में क्या चांस है, तो 50% बेटा में हो सकता है, 50% बेटी में भी हो सकता है। अब देखिए क्या कंडीशन है, यहाँ फिगर को अगर देखिए तो 50% मतलब यहाँ एक्स और वाई है, तो ये बेटा एकदम फिट है, लेकिन यहाँ पे जो एक्स आया है ये कैरी कहाँ से हो गया, तो मदर से आया, तो इस लड़के को क्या हो जाएगा, हेमोफिलिया डिजीज होगा। फिर यहाँ पे भी क्या है, लड़की में भी 50-50 चांस है, तो यहाँ पे, तो यहाँ भी एक्स एक्स, अगर वो वाला क्रोमोजोम जो यहाँ है इस पे एक्स, देखिए ग्रीन है, तो हेमोफिलिया वाला अगर यहाँ पे भी एक्स आ गया वही क्रोमोजोम, तो इस लड़की को भी क्या होगा, हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा मतलब इसे सिम्टम्स नहीं दिखेगा, ये नॉर्मल रहेगी। फिर तो जिसमें जिसमें डोमिनेंस होगा, तो डोमिनेंस कहाँ है इसमें, इस लड़के में, तो यहाँ पे है हेमोफिलिया, इसमें असर दिखेगा, इसमें दिखेगा क्या, नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वह कैरी कर रही है उस जीन को, लेकिन उसके इफेक्ट नहीं दिखेंगे। समझ गए तो भी ठीक, नहीं समझे कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा हाई लेवल की बात थी, मतलब हाई लेवल नहीं, जो जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं जिनका सिलेबस मुश्किल है, जो मेडिकल लाइन में है वो समझ रहे होंगे। अब आगे देखिए, कहता ए टीम ऑफ साइंटिस्ट हैज इंजीनियर्ड नैनो पार्टिकल्स दैट कैन ट्रीट हेमोफिलिया। अब देखिए नैनो पार्टिकल्स, अभी रिसर्च चल रहे हैं कौन सा नैनो पार्टिकल्स आएंगे पता चलेगा, ये क्या करेगा, हेमोफिलिया को ट्रीट करेगा, इलाज करेगा। कहता ए डिसऑर्डर इन विच पेशेंट्स लैक ए कोगुलेशन फैक्टर एंड कैन नॉट प्रॉपरली फॉर्म ब्लड क्लॉट्स, तो जो हमारे ब्लड में होता है ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और क्या होता है प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड को क्लॉट करना, ये आपका जो है ना काम नहीं करने लगता है हेमोफिलिया के चलते, तो जिसके वजह से क्या होता है, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग चालू रहता है, तो जो इंजाइम काम करता है ना इस ब्लड को क्लॉट करने के लिए, उसे ये फेल कर देता है, ठीक है। चलिए अब कहता है हेमोफिलिया क्या है, तो रेयर डिजीज है, बहुत कम होता है, इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर दैट प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग प्रॉपरली, तो ये क्या है, एक इनहेरिटेटेड ब्लड डिसऑर्डर, मतलब जेनेटिकली ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड में ये प्रॉब्लम्स है, इट कॉज्ड बाय लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, तो ब्लड में जो प्रोटीन्स होता है उसकी कमी हो जाती है हेमोफिलिया की वजह से। हेमोफिलिया कैन लीड टू स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, इसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगती है। प्राइमरी सिम्टम क्या है हेमोफिलिया का, तो अनएक्सप्लेन्ड एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग, मतलब बेतहाशा ब्लड बॉडी से निकलने लगेगा, नाक से जो है ब्लड निकलने लगेगा, यूरिन में ब्लड आने लगेगा, स्टूल में ब्लड आने लगेगा। आगे देखिए व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ हेमोफिलिया, तो ट्रीटमेंट क्या है जी, तो रेगुलर रिप्लेसमेंट ऑफ द स्पेसिफिक क्लोटिंग फैक्टर दैट इज रिड्यूस्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड फिजिकल थेरेपी, तो ये सब क्या है, इसके ट्रीटमेंट है कि क्लोटिंग फैक्टर जो है उसको हमेशा रिप्लेस करके नया बॉडी में डालते रहे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन और फिजिकल थेरेपी कराया जाता है हेमोफिलिया को सही कराने के लिए, पूरी तरह से तो क्योर नहीं हो पाता है। आगे देखिए व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेमोफिलिया इन मेल्स, इन मेल्स क्या फ्रीक्वेंसी है, तो हर 7500 मेल में, मतलब 7500 लड़का में एक लड़के को क्या है, हेमोफिलिया डिसऑर्डर है।
ठीक है। अब ये देखिए, एक डिबेटेबल अभी बहुत सोशल मीडिया, फेसबुक सब जगह है, जेमिनी। जेमिनी क्या है? एआई टूल्स है। किसका टूल्स है जी? मतलब किसके द्वारा बनाया गया? ये है आपका गूगल, गूगल का टूल्स है जेमिनी। अब इसने क्या किया, पीएम मोदी जी के बारे में क्या किया, उसके बारे में बोला कि ये फैसिस्ट है। फैसिस्ट मतलब कि दोस पर्सन, मतलब सपोर्ट, जैसे सपोर्ट वायलेंस, मतलब जो मार काट को सपोर्ट करते हैं वो फैसिस्ट होता है, या इसी को नाजिम भी बोलते हैं, जैसे हिटलर था आपका। तो इनके बारे में लिखा थी, अच्छी बात नहीं है। तो इसमें सफाई दिए हैं ये जो गूगल है, इन्होंने बोला कि देखिए जो भी हम बताते हैं वो तो सही बताते हैं हमारा टूल्स, लेकिन क्या है कि जब पॉलिटिकल व्यू उस पे आता है तो ये थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, इन्होंने खुद बोला है। यहाँ पे लिखा है, सम प्रॉम्प्ट्स ऑन पॉलिटिकल टॉपिक्स और इवॉल्विंग न्यूज, तो कुछ न्यूज या कुछ पॉलिटिकल टॉपिक पे ये सही से काम नहीं करता, रिलायबल नहीं। मतलब ये नहीं कह रहा कि रिलायबल नहीं, हमेशा रिलायबल नहीं, इन्होंने बोला है। अब देखिए इस पे कुछ आएगा जरूर। चलिए, तो अच्छा एक चीज, जो भी टेस्ट से जुड़ना चाह रहे हैं, जैसे आज 25 फरवरी है तो इसका टेस्ट देना चाहते हैं, तो प्लीज टेलीग्राम से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको बेनिफिट होगा। जो न्यूज पढ़ते हैं, जो मैं बता रहा, इससे तब ये ज्यादा फायदा काम करेगा जब आप टेस्ट ज्वाइन करेंगे, या मैसेज कीजिए इस नंबर पर, सॉरी। चलिए ठीक है, कल मिलिए।